बसमिल्ल रही अकुम वेलकम टू माई चैनल पिंकीज़ किचन वीवर्स मुझे uh, अपनी कज़न की तरफ जाने का इतफाक़ हुआ बिकॉज वी आर इनवाइटेड इन देयर हाउस तो हमने बहुत इंजॉय किया मैंने सोचा उनका आर्ट वर्क उनका टेस्ट ऑफ आर्ट टेस्ट ऑफ़ डिज़ाइनिंग में दिखाती हूँ ये वास जैसे कि उन्होंने खुद सेल्फ़ मेड क्रिएटेड है डिज़ाइन है उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एक आयत मुबारक देख रहे हैं उस पर एक आयत है वो इन्होंने अपने हाथ से डिज़ाइन करके उसको फ्रेम करवाया है जो शेल्फ़ है ये भी इनकी खुद डिज़ाइन की हुई है ये केज ये भी इनका खुद डेकोरेटेड है हर हर चीज़ बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से वो डेकोरेट करती हैं तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करने वाली है हर हर चीज़ का बहुत मज़ा आया था तो बहुत शॉर्ट सा विज़िट लेकिन मुकम्मल था हमारा विज़िट और जनाब उसके बाद ये चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंडमेड हर हर चीज़ डेकोरेशन की वो हैंडमेड थी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आप इतनी डिज़ाइनिंग अपने हाथों से वरना इतने एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीसेस हम परचेस करते हैं मार्केट से तो जनाब ये इन्होंने बहुत हलूस मोहब्बत से डिज़ाइन किए हुए थे हर हर चीज़ सो आप भी इसको इन्जॉय करेंगे और व्यूवर्स अगर आपको मेरे चैनल पे मेरा चाहे वो विलोक हो या फिर मेरी कुकिंग हो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ये इनका एक्वेरियम इतना शानदार था और ये ऑरेंज फिशेस तो वैसे ही मेरी फेवरेट हैं तो इसको बिल्कुल साइलेंटली खड़े रह के देखने का बहुत मज़ा आया मुझे इसमें कलर्स इसमें जो इन्होंने सब चीज़ें खुद से रखी थी जैसे कि ये पंचक्की इसमें ये जो हैं ये जो फिशेस की इंजॉयमेंट का अरेंज किया हुआ है ये सब और फिर खाना भी बहुत बहुत डिलीशियस था हर चीज़ बहुत प्यार से तैयार की गई थी और जनाब खाने के बाद हमारी मुलाकात हुई इस सी मानो से स्केटों से ये भी बहुत दिलचस्प थी ये मेरे से थोड़ा सा शर्मा रही थी अच्छा जनाब ये वास और जो वास पे ये जो वॉल पे इन्होंने डेकोरेशन की है ये प्लांट्स जो लगाए हुए हैं इन्होंने सारे पैरट्स हैं जो इनके डिफरेंट कलर्स के हैं पहले तो मौसम बहुत गर्म गर्म था एकदम से इतनी खूबसूरत सी हवा चलने लग गई तो हमने छत पे जाने का प्लान किया वहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें देखने का मौक़ा मिला छोटा सा गार्डन है इन्होंने जो बनाया हुआ बहुत प्यारा मौसम हो गया उसमें हमारा मूड और खुशगवार हो गया अब सो आपने सबको बहुत इन्जॉय किया होगा मेरी तरह और एकदम जनाब यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि ये भी कैप्चर कर लेते हैं यहाँ जनाब इनका एक पैरिट है ये भी बहुत दिलचस्प था ये भी बोल बोल के हमें दिखा रहा था कि वो भी इन्जॉय कर रहा है हमारे साथ मौसम को व्यूवर्स अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा और आपको ये, सब कैसा लगा। ये सब कैसा लगा ये भी बताइएगा अच्छा जी ये सब प्लांट्स देख के मुझे तो मेरा दिल बाग बाग हो गया आप देख रहे हैं जैसे कि आप ये डेकोरेशन पीस है ये भी हैंड मेडिड है जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था इसमें मौलाई कायनात का नाम लिखा हुआ है और इतनी खूबसूरत सी जुल्फार है ये सब हैंड मेडिड है ये वास वग़ैरह जो इन्होंने बनाए हैं ये कॉर्नर जैसे इन्होंने डेकोरेट किया है उस पर फानूस और इस तरह की हर हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी थैंक यू फॉर वॉचिंग